एक लड़का अपनी 10th कंप्लीट करने के बाद फर्दर स्टडीज के लिए अपने स्मॉल टाउन से एक न्यू सिटी में शिफ्ट होता है। कई कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किल से उस सिटी में उसे अपने बजट और प्लेस के अकॉर्डिंग एक अपार्टमेंट मिलता है। तो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस अपार्टमेंट को रेंट पे ले लेता है, बिना सोचे कि उस अपार्टमेंट की क्या हिस्ट्री रही होगी, कैसे लोग रहते होंगे वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी उस अपार्टमेंट में और क्या कहानियाँ छुपी हुई हैं उसके अंदर। बाद में उसे ये पता चलता है कि शायद उससे एक गलती हो गई है। जिस अपार्टमेंट में वो रहता है उसकी कुछ अलग बात है, उस अपार्टमेंट में कुछ अजीब सा है, ऐसा कुछ है जिसकी मौजूदगी उस जगह को बदल देती है और उस जगह को डरावनी बना देती है। उस अपार्टमेंट में बहुत सी अजीब चीज़ें होने लगती है और ये अकेला लड़का जो कि कम्प्लीटली हेल्पलेस है अपने अपार्टमेंट में हो रहे इन अजीब चीज़ों को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगता है ताकि दूसरों को अपनी कहानी पे भरोसा दिला सके। ये सब सुनकर लग सकता है कि किसी मूवी का प्लॉट होगा या फिर शायद किसी इंटरनेट से उठाई हुई कोई स्टोरी है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे एक सब्सक्राइबर नितिन के साथ घटी थी। नितिन ने अपनी पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर बताई है और साथ ही साथ इस पूरे कहानी को बैकअप करते हुए उन सभी फोटोज एंड वीडियोज को मुझे भेजा है जो उसने उस अपार्टमेंट में रिकॉर्ड किया था। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें नितिन की पूरी कहानी डिटेल में बताऊंगा और साथ ही साथ आगे चलकर वीडियो में उन सारे फोटोज एंड वीडियो एविडेंसेस को भी तुम्हें दिखाऊंगा जो नितिन ने उसी अपार्टमेंट के अंदर कैप्चर किया था। सो वेलकम टू अ न्यू वीडियो वेयर आई टेल यू अ चिलिंग हॉरर स्टोरी एंड ऑल्सो शो यू सम एविडेंसेस अराउंड इट। आज की ये जो कहानी है ये 12वीं कक्षा में पढ़ रहे एक लड़के नितिन की है। नितिन और उसकी पूरी फैमिली एक स्मॉल टाउन से बिलोंग करती है। नितिन का पूरा बचपन अपने फैमिली के साथ उसी स्मॉल टाउन में बीता था। इवन अपने 10th तक की पढ़ाई भी नितिन ने वहीं के एक स्कूल से कंप्लीट करा था। बट नितिन को अभी अपने आगे की एजुकेशन एक अच्छे हाई स्कूल से करनी थी। सो इसी बारे में थोड़ा सा सोच विचार करके, थोड़ा रिसर्च करके नितिन फाइनली ये डिसाइड करता है कि वो अपने प्लस टू की पढ़ाई एक दिल्ली के हाई स्कूल से करेगा। यही सब बातें वो अपने घर वालों को भी बताता है एंड उनसे बात करके, उनसे पूछ करके उस दिल्ली के हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है। नितिन उस हाई स्कूल में एडमिशन ले लेता है और कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। नितिन का जो फर्स्ट ईयर था, जो 11th क्लास था, वो उसके घर पे ही बीतता है क्योंकि उस वक्त इंडिया में लॉकडाउन चल रहा था एंड लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी। बट फिर स्टार्ट होता है नितिन का 12th क्लास। इस वक्त इंडिया में लॉकडाउन खत्म हो चुका था एंड सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खुल चुके थे। नितिन के भी हाई स्कूल में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुके थे। सो अभी टाइम आ चुका था कि नितिन अपने घर से एंड उस टाउन से बाहर निकले एंड दिल्ली शिफ्ट होके अपने ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करे। नितिन के लाइफ का एक नया फेज था, उसके लिए पूरा एक्सपीरियंस कम्प्लीटली न्यू था। ऐसी नई जगह पर अकेले जाना, वहाँ पर रहना शिफ्ट हो करके, फिर अकेले ही सब कुछ संभालना, ये सब कुछ नितिन के लिए बहुत नया था एंड धीरे धीरे वो उन चीज़ों को सीख रहा था। बट फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे एक नए बड़े शहर में शिफ्ट होना, दैट टू अलोन, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था। एंड उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस नए सिटी में जा कर के अपने लिए एक सुइटेबल सा अपार्टमेंट ढूंढना। तुम्हें तो पता ही होगा ऐसे नए बड़े सिटीज़ में अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग एंड फिर जिस जगह पे हमें चाहिए उधर नहीं मिलता है। सो बेसिकली इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क टू फाइंड ए प्रॉपर अपार्टमेंट। बड़ी मुश्किलों के बाद एंड बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली नितिन को अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छे प्लेस में जहाँ पे उसको चाहिए था वहाँ पर एक अपार्टमेंट मिल जाता है। तो वो बड़ी ही जल्दी से बिना कुछ ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए उस अपार्टमेंट में एक रूम रेंट पे ले लेता है। अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद नितिन वहाँ पे अकेला रहता था। ये न्यू स्टूडेंट लाइफ वो धीरे धीरे उस पे अडॉप्ट कर रहा था एंड सीख रहा था चीज़ों को। नितिन का जो डेली लाइफ था उसमें मेजर पोर्शन तो उसके क्लासेस में ही निकल जाते थे एंड ऑल्सो वो जेई की प्रिपरेशन भी कर रहा था तो कोचिंग में भी उसका आधा टाइम निकल जाता था। मोस्टली आफ्टरनून के बाद वो अपना पूरा टाइम उस अपार्टमेंट में बिताता था, लाइक शाम के टाइम पे और फिर रात में सोने के लिए एंड फिर दिन के टाइम पे क्लासेस स्टार्ट होते थे। तो ये तो थी नितिन के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और थोड़ी सी बैक स्टोरी, बट अब से वो एक्चुअल स्टोरी स्टार्ट होती है जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है।
उस अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद जो पहले के 2-3 महीने थे वो 2-3 महीने नितिन के बहुत स्मूथ बीते थे। मतलब ऑब्वियसली थोड़े बहुत स्ट्रगल्स थे जो नए नए स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं ऐसे नए जगह पे शिफ्ट होने के बाद, खुद से खाना बनाना, खुद से पूरा घर संभालना एंड फिर अकेले रहना, तो ये सब चीज़ें नितिन को फेस करना पड़ता था। बट एट द सेम टाइम ये 2-3 महीने उसके लिए काफ़ी अच्छे थे, एक नया एक्सपीरियंस था एंड काफ़ी स्मूथ एंड ओके बीता था। बट इन 3 महीनों के ख़त्म होने के बाद नितिन के लाइफ में एक नया फेज स्टार्ट होने वाला था जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। नितिन के लाइफ में इन अजीब चीजों की शुरुआत होती है विद सम कंटिन्यूअस रेगुलर एंड डेली नाइटमेयर्स। नितिन को हर रात नाइटमेयर्स आने लगते हैं, ऐसे सपने जहां पे वो अजीबोगरीब जगहों पे खो गया है एंड उन जगहों पे वो अजीब इंसानों को देख रहा है, अजीब क्रिएचर्स को देख रहा है एंड ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहा है जिनको वो वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। बट अगर ओवरली बोला जाए तो काफ़ी बुरे और डरावने सपने उसको रेगुलर बेसिस पे आने लगते हैं। बट सिंस नितिन वहाँ पे पढ़ाई करने गया था तो वो अपने आप को इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता था, तो उसने अज्यूम कर लिया कि शायद पढ़ाई का स्ट्रेस है जिस वजह से उसे मेंटली ये सब चीज़ें इफेक्ट करने लगी हैं एंड उसे ये नाइटमेयर्स आती हैं। धीरे धीरे अगर उसका शेड्यूल ठीक हो जाए तो ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। ऐसा सोच के ये उस पूरे नाइटमेयर को नितिन इग्नोर करने लगता है। बट नितिन को ये चीज़ पता नहीं थी कि ये नाइटमेयर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आगे आने वाले एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की ये बस एक शुरुआत है। आगे चलकर नितिन के साथ उसी अपार्टमेंट के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं जो उसे कम्प्लीटली डरा कर रख देती हैं। नितिन के साथ उसका सबसे पहला डरावना इंसिडेंट उसके वॉशरूम के अंदर हुआ था। एक रात नितिन अपना वॉशरूम यूज कर रहा था एंड वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ा था। मिरर के जस्ट साइड में एक विंडो था जिसपे काफी ब्लर्ड एंड थिक ग्लासेस लगे हुए थे एंड ये विंडोज मोस्टली लाइट आने के लिए डे टाइम पे यूज होता है। नितिन चुपचाप वहां पे मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा होता है एंड तभी वो नोटिस करता है कि साइड में जो विंडो है उसके पीछे एक परछाई सा कुछ हिला एंड उसी मोमेंट पे तुरंत ही उस विंडो पे एक नॉक साउंड आया। नितिन के लिए एक जंप स्केयर जैसा था, वो अचानक से वहाँ पे चौंक गया एंड डर गया। बट उसका पहला इंस्टिंक्ट यही था कि वो तुरंत जाके चेक करे कि वहाँ पे कौन है। जब वो विंडो खोल के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता एंड वो नॉकिंग का साउंड इतना ज़्यादा क्लियर था कि नितिन सीधा डर के वॉशरूम से भाग कर अपने रूम के अंदर आ जाता है। दिस इंसिडेंट वॉज रियली क्रीपी राइट। शायद हो सकता है बाहर कोई क्रीपी सा स्टॉकर होगा, कोई इंसान होगा जो छुपके से नितिन को देख रहा था एंड उसको वॉशरूम के अंदर स्टॉक कर रहा था। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था एंड द रीजन इज कि वहां पे बाहर कोई हो ही नहीं सकता। जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो जहां पे नितिन अपने विंडो के बाहर का व्यू दिखाता है। वीडियो से क्लियरली पता चल रहा होगा कि नितिन का जो रूम था वो ग्राउंड फ्लोर पे नहीं था, नितिन का रूम कई फ्लोर्स ऊपर था, तो वहां पे किसी के खड़े होने की जगह तक भी नहीं है। सो इट वॉज इम्पॉसिबल कि बाहर से कोई इंसान खड़ा होके वहां पे नॉक कर रहा हो। सो ऑब्वियसली एक बहुत ही डरावनी चीज है कि वो जो परछाई जैसा उसको दिखा था वो क्या चीज था एंड वो नॉकिंग साउंड किसने करा था। इस चीज के होने के बाद नितिन उस रात बहुत ज्यादा डरा हुआ था बट ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर कि ये तो बस शुरुआत थी, आगे ऐसी और भी अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उसी रूम में, उसी अपार्टमेंट में नितिन के साथ होने वाली थी। वेल, आगे चल के ये जो नॉकिंग साउंड्स थे ये तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए थे, कभी वॉशरूम के डोर से, कभी वॉशरूम के विंडो से, कभी रूम के किसी दूसरे कॉर्नर से, ऐसी साउंड्स आनी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी। फिर आगे चल के धीरे धीरे ऐसा होने लगा था कि नितिन के सेल्फ्स पर जो सामान रखे हुए थे, बॉटल्स रखे हुए थे, वो अपने आप बिना किसी फोर्स के, बिना किसी हवा के नीचे गिर जाते थे। अब नितिन का डर धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था एंड आगे चल करके ये डर तब बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाता है जब नितिन को उस अपार्टमेंट के अंदर ऐसा लगने लगता है कि कोई तो उसे छुपके से एंड घूर के देख रहा होता है। नितिन यूजुअली अपना काम करेगा, वो बैठ के पढ़ रहा होगा या फिर कोई दूसरा काम कर रहा होगा एंड उसे ऐसा सेंस होने लगता है कि शायद पीछे से छुपके या फिर किसी कॉर्नर से छुपके कोई उसको देख रहा है एंड उस पर नजर रखा हुआ है। अब नितिन का जो कमरा था उस कमरे के कॉर्नर पे एक बेड रखा हुआ था जहाँ पे वो सोता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे पढ़ाई करता था। उस बेड के जस्ट सामने एक ग्लास का विंडो था जिसके आर पार तुम देख सकते हो एंड उसके दूसरे साइड शायद बालकनी था। अब नितिन के साथ
एक बहुत ही डरावनी चीज होनी स्टार्ट हो चुकी थी, एक ऐसी चीज जिसको तुम क्लियरली पैरानॉर्मल कह सकते हो। नितिन को उस विंडो के थ्रू एक फिगर दिखने लगा था बहुत फ्रिक्वेंटली, स्पेशली रात के टाइम पे उसको ये फिगर दिखता था फॉर अ फ्यू सेकेंड्स एंड फिर ये फिगर गायब हो जाता था। नितिन ने इवन ये बोला कि उस विंडो के पीछे जो वॉल है, उस वॉल के पीछे से वो फिगर धीरे से पीक करके उसको देखता और उस पर नज़र रखता था, एंड जैसे ही नितिन उसको नोटिस करता था वो फिगर कहीं गायब हो जाता था। एक दिन रात को नितिन उसी तरीके से बेड पे बैठ करके पढ़ाई कर रहा था एंड उस विंडो के पीछे उसने उस फिगर को काफ़ी क्लियरली देखा। वो एक बहुत ही छोटे से लड़की की वाइट ड्रेस में एक फिगर थी जो काफ़ी तेज़ी से उसके सामने से पास करके गई। नितिन को लिटरली गूज़बम्स आ रहे थे उस मोमेंट पे। जो चीज़ उसने अपने आंखों के सामने देखा वो चीज़ किसी को भी डरा के रख देगी, स्पेशली जब तुम किसी अपार्टमेंट में कम्प्लीटली अकेले रह रहे हो अपने कमरे में। ऑब्वियसली जब इन चीज़ों की शुरुआत हुई थी उस अपार्टमेंट के अंदर, नितिन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था, वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बट आगे चल चल के जब ये एक्टिविटीज़ बढ़ने लगी थी उसके अपार्टमेंट के अंदर, ये अजीब चीज़ें और भी ज़्यादा होने लगी थी, सामान का गिरना, फिर फिगर्स दिखने एंड स्पेशली वो छोटी सी लड़की को देखना, इसके बाद से नितिन कन्फर्म हो चुका था कि शायद उसका वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है एंड वहाँ पे एक स्पिरिट लर्क करती है। अब तक नितिन ने अपने कहानी में ये चीज़ को मेंशन करा था कि शायद उसे बस डाउट है कि वो अपार्टमेंट हॉन्टेड है, बट आगे ऐसी इंसिडेंट उसके साथ होती है जिसके बाद ये शक और ये पूरा डाउट क्लियर हो जाता है एंड सारी चीज़ें हकीकत बन जाती है जो भी उसके मन में डाउट्स थे। एक दिन नितिन अपने बेड के ऊपर बैठ करके पढ़ाई कर रहा था एंड पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपना नोट और अपना पेन बेड पे रखता है एंड थोड़ी देर फोन स्क्रॉल करने लगता है। इतने में वो नोटिस करता है कि उसके बेड के ऊपर जो पेन रखा हुआ था वो अपने आप मूव कर रहा है, वो पेन अपने आप हिल रहा है, जबकि ना रूम में कोई बाहर से हवा आ रही थी और ना ही रूम का फैन ऑन था। तुरंत ही नितिन का ध्यान उस तरफ जाता है और वो समझ जाता है कि एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है एंड शायद ये चीज़ वही स्पिरिट कर रही है। बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ वहाँ से डर के भागना, नितिन थोड़ी हिम्मत करता है और तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल के उस चीज़ को भी रिकॉर्ड करता है। इवन एक वीडियो में नितिन उस स्पिरिट से बात करने की भी कोशिश करता है एंड उससे कहता है कि वो एक बार फिर से उस पेन को हिलाकर दिखाए एंड द स्पिरिट लिसन्स टू हिम और वो चीज स्पिरिट कर देता है। वेल, इस वीडियो को देख करके जस्ट बिकॉज वहाँ पे कोई भी हवा का साउंड नहीं था एंड ये वीडियो कम्प्लीटली रॉ एंड अनएडिटेड था, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेजिट लगा था एंड इसी वजह से ये वीडियो बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी। नितिन के दिमाग में ये चीज़ फाइनली कन्फर्म हो चुकी थी कि उसका अपार्टमेंट हॉन्टेड है एंड उसने थोड़े बहुत वीडियोज़ भी कैप्चर कर लिए थे। अब जब ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी थी तो
तो नितिन इस चीज़ को थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर क्या चीज़ है जो इस सब चीज़ों को वहाँ पे कर रही है। वो ट्राई करता है कि वो और भी ज़्यादा इन चीज़ों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करे, बिकॉज उसे पता था कि अगर ये सिर्फ कहानी बताएगा तो कोई उससे मानने ही वाला, कोई इस पर भरोसा नहीं करने वाला। और थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हुए नितिन अपने उन वॉशरूम के नॉक्स को इन्वेस्टिगेट करता है। हर रात बहुत फ्रिक्वेंटली उसको नॉक्स तो सुनाई देती थी, तो एक रात हो जाता है और उन नॉक्स को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। अपने स्टोरी को सपोर्ट करने के लिए उसे एक और प्रूफ मिल जाता है, बिकॉज उस रात भी कैमरा में वो उन क्लियर नॉक्स को रिकॉर्ड करता है, एंड ऑल्सो एक अजीब सा दूसरे टाइप का साउंड भी उस विंडो से आ रहा होता है जो वो रिकॉर्ड कर लेता है। अब तक एक डाउट आ रहा होगा कि नितिन इतना ज़्यादा डर क्यों नहीं रहा था, एंड उसे तो भाग जाना चाहिए था अपार्टमेंट छोड़ के। पहले पहली बात तो ये थी कि अपार्टमेंट छोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, बिकॉज बड़ी मुश्किल से वहाँ पे उसको एक अपार्टमेंट मिला था। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि नितिन को लगता था कि उसके अपार्टमेंट में जो स्पिरिट है वो एक अच्छी स्पिरिट है, वो एक गुड स्पिरिट है जो किसी भी तरह का हार्म नहीं चाहती। सो नितिन बिलीव्स कि जो छोटे से बच्चे को उसने देखा था उस अपार्टमेंट में, उसी की स्पिरिट वहाँ पे लर्क करती है, उसी की स्पिरिट वहाँ पे मौजूद है, बट वो कुछ भी बुरा नहीं चाहती। बाद में जब नितिन की 12th ख़त्म हो जाती है इसी साल के बिगिनिंग में, वो फिर उस अपार्टमेंट को छोड़ देता है, एंड उसके बाद से उसको कोई दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती, एंड उसको स्पिरिट फॉलो भी नहीं करता, एंड ये कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। बाकी ये पूरा एक्सपीरियंस स्कैरी था ही, बट जब मैंने पहली बार ये पूरी कहानी सुनी थी, मेरे दिमाग में एक और बहुत ही स्कैरी थियरी आई थी, ठीक है, जिसके बारे में मैंने नितिन को बताया नहीं था। वो चीज़ ये था कि जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी थी ना, एंड नितिन ने बोला था कि एक अच्छी स्पिरिट हो सकती है ये, एंड छोटे बच्चे को उसने देखा था एंड ऑल, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आया था कि अगर कोई अच्छी स्पिरिट है एंड उतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिट नहीं है ना, तो उन लोगों के पास यूजुअली ताकत नहीं होता कि वो चीज़ों को गिरा पाएँ, नॉक साउंड कर पाएँ एंड डरावनी चीज़ें कर पाएँ, जैसे कि नितिन को नाइटमेयर दे रही थी वो स्पिरिट। बट मेरे दिमाग में सबसे बड़ा डर तो यही था कि क्या ये सही में एक छोटे बच्चे की स्पिरिट है, या फिर ये कोई बहुत ही डेडली एंड शैतानी आत्मा है जो अपने आप को एक बच्चे की तरह दिखा रही है, जिससे कि सामने वाला ज़्यादा डरे ना एंड उससे ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करे, एंड उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसके बॉडी को प्रोसेस कर ले या फिर जो भी उसका टारगेट है वो कर ले। बाय द वे, ये पूरा थियोरी मैंने इंटरनेट से पढ़ा है, ऐसा मेरा कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं बस अपनी थियोरी शेयर कर रहा हूँ। बाकी नितिन जैसे बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो अपनी कहानियाँ मेरे तक पहुँचाना चाहते हैं, मैंने एक नया मेल आईडी बनाया है, content4hnh@gmail.com। इस मेल आईडी पे तुम लोग अपनी पूरी कहानी मुझ तक भेज सकते हो, एंड अगर तुम्हारी कहानी अच्छी है एंड प्रेजेंटेबल है तो मैं उसके ऊपर वीडियोस जरूर बनाऊंगा। हाँ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि प्रॉपर फॉर्मेट पे भेजना, लाइक टॉपिक सब्जेक्ट में अपना टॉपिक लिख करके, फिर कहानी को पूरे डिटेल में लिख करके। तुम जितने ज़्यादा वर्ड्स यूज करके जितने डिटेल में कहानी लिखोगे ना, उतने ज़्यादा चांसेस है कि मैं तुम्हारा वीडियो कवर करूँ। वैसे तुम लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने ना इस टाइप की कहानियाँ बताई हुई हैं, एंड कुछ लोगों की कहानी बहुत डरावनी है, तो उन कहानियों को आगे वीडियोस में बनाने वाला हूँ, तो भाई मज़ा आने वाला है लिटरली, ठीक है। ऐसे केसेस, ये तो भाई नॉर्मल सा केस था, एक डरावना था बट शायद एक गुड स्पिरिट से रिलेटेड केस था। और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बहुत डरावनी चीज़ें हुई हैं, उन पर आगे वीडियोज़ बनने वाली हैं। तुम भी अपनी कहानियाँ भेजते रहना एंड रेडी रहना इन वीडियोज़ के लिए।